हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मेवा पाक की रेसिपी। तो चलिए मेवा पाक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने ले लिए मखाने, ये ले लिए हमने बीज, और ये लिए हमने किशमिश, और ये हमने नारियल का बुरादा ले लिया है। तो देखिए हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें हमने डाल दिया घी। घी गरम हो गया, अब इसमें हम मखाने डाल देंगे। तो ये हमने 150 ग्राम मखाने लिए हैं, इन्हें हम भून लेंगे। इस तरीके से चलाते रहेंगे इसे। तो देखिए मखाने भून गए हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। और अब इसी कढ़ाई में हम घी डालेंगे और अब इसमें भूनेंगे हम खरबूजे के बीज। तो ये हमने 50 ग्राम बीज लिए हैं, साफ कर लिया था इन्हें हमने बिल्कुल। अब इसमें डाल के भून लेंगे। देखिए सारे बीज डाल दिए हैं हमने इसमें, अब इसे चलाते हुए भूनेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें ये भूनना है, नहीं तो हमारे बीज जल जाएंगे। तो देखिए बीज हमारे भून गए हैं, अपने में ही हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा। तो हमने ये एक नारियल लिया है, जिसे गोला बोलते हैं, पका हुआ नारियल जो आता है, उसे हमने कद्दूकस कर लिया था। तो उसे इसमें हम डाल के भून लेंगे, सिर्फ इसे 1 मिनट तक ही हम भूनेंगे। देखिए इसमें इसी में हमने किशमिश डाल दी है, उसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। ये 50 ग्राम हमने किशमिश ली है, नारियल का बुरादा किशमिश भून गई है, इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जैसे काजू है, बादाम है, वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए अब हमने बड़ी कढ़ाई रख दी है, उसमें हमने डाला है 1 गिलास पानी। पानी हम थोड़ा गर्म करने देंगे। तो ये अब इसमें हम चीनी डाल देंगे, ये हमने 800 ग्राम चीनी ली है, और अब इसमें डाल देंगे हम, और इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे। जब तक हमारी चीनी मिक्स नहीं हो जाती तब तक हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे इसे। तो देखिए चीनी मिक्स हो गई है। तो देखिए अब ये मखाने रखे थे हमने भून के, अब इसमें ये करेंगे हम कि मिक्सी में जार में डाल के इसे दरदरा सा कर लेंगे। और देखिए इधर ये चाशनी बन रही है, तो इसमें से ऊपर से जो गंदा सा होता है चीनी का, उसे हम निकालेंगे, इससे हमारी चाशनी साफ़ हो जाएगी। तो देखिए इस तरह का बुरादा हमने बना लिया है मखाने का। ये मावा है, ये 100 ग्राम मावा लिया है हमने, और इसको इस चाशनी में मिक्स कर देंगे। तो देखिए अब इसमें हमने मिला दिया है ये, और हमारा चाशनी और मावा दोनों मिक्स हो गए हैं अच्छी तरह से। तो ये थाली ले ली है हमने, और इसमें हम घी लगा देंगे, क्योंकि बाद में हमें टाइम नहीं मिलेगा इस पर घी लगाने के, इसलिए पहले से तैयार करके रखेंगे। तो देखिए अब हमने ये चाशनी में मखाने का बुरादा डाल दिया है, इसे मिला देंगे। तो देखिए मैंने मखाने का बुरादा बनाया है, आप इसमें साबुत मखाने या फिर काट के मखाने भी ले सकते हैं, उससे भी मेवा पाक बहुत अच्छा बनेगा। इसी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें हम डाल देंगे खरबूजे के बीज और नारियल का बुरादा और किशमिश, इन्हें भी इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
और इसे पकने देंगे। तो गाइस इसे चलाना बंद नहीं करें, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। इसे हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे जब तक हमारा मेवा पाक बनके तैयार नहीं हो जाता। तो फ्रेंड ये जन्माष्टमी आने वाली है, तो आप इसे जन्माष्टमी बना के खा सकते हैं। ये व्रत में खाने वाली चीज़ है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम व्रत में नहीं खा सकें। इसे मेवा पाक भी बोलते हैं, इसे पंजीरी भी बोलते हैं और इसे बर्फी भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें बबल्स बनने लगे हैं। अब इसे कटोरी हमने पानी लिया है तो इसमें हम डाल के देखेंगे। तो देखिए हमारी बर्फी जमने वाली स्थिति में आ गई है। आप साइड में देख सकते हैं ये बबल्स बन रहे हैं और देखिए कढ़ाई से भी छूट रहा है, तो इसका मतलब ये जम जाएगा। अब ये जो हमने प्लेट रखी थी घी लगा के, उसमें हम इसे डाल देंगे और अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमने सारा फैला लिया है और अब इसे हम एक घंटे के लिए उठा के रख देंगे। अब इनमें हम कट लगाएंगे और फिर से 10 मिनट के लिए उठा के रख देंगे। तो देखिए 10 मिनट हो गई हैं। अब हम ये करेंगे गैस पे थोड़ा सा इसे गर्म करेंगे जिससे हमारी बर्फ़ी आराम से उतर जाएगी। तो देखिए बर्फ़ी हमारी आराम से निकल रही है और हमारी बर्फ़ी बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप भी इसे बना के खा सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो फ्रेंड आप भी बनाइए, खाइए और मुझे बताइए आपको मेवा पाक और ड्राई फ्रूट बर्फ़ी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू।